हाय एवरीवन, आई एम इमरान अब्बासी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू लॉक एंड अनलॉक एनी ड्राइव यूजिंग BitLocker ऑप्शन इन विंडोज 8.1 के मैं कैसे कोई भी ड्राइव अपने सिस्टम की उसको लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ थ्रू BitLocker ऑप्शन के, जो कि विंडोज 8.1 में बिल्ट इन है या विंडोज 8.1 में गिवन होता है। लॉक का मतलब आपको पता होगा कि कैसे पासवर्ड या लॉक या कोई और आपके ड्राइव को ओपन ना कर सकें आपके अलावा, तो आप उस पर लॉक या पासवर्ड एक्टिव करते हैं या अनेबल करते हैं कि आप बस उस ड्राइव को आप ही ओपन कर सकें, क्योंकि उसमें आपका पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है। उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पीसी सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में जो आइटम्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने। अगर कुछ इस तरह का अपीयरेंस ना हो तो आप, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की अपीयरेंस शो की कंट्रोल पैनल की, लेकिन मैं लार्ज आइकन में अपीयरेंस चाहता हूँ अपने कंट्रोल पैनल की, तो मैं उसको लार्ज आइकन में शो करा दूँगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे, देन वो BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। और ये आपको आपकी जो सारी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, और ये आपको उनका स्टेट भी बता रहा है कि उन पे BitLocker ऑफ है, BitLocker ऑफ है, मेरी एक ड्राइव पे एफ पे BitLocker ऑन और ऑन है, उसके अलावा बाकी सब पे BitLocker ऑफ है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे BitLocker ऑन किया जाता है। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइव जी है उस पर BitLocker ऑफ है, उस पर ऑन करूंगा। आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक विजिबल होगा टर्न ऑन BitLocker, उस पर क्लिक करें। उसके बाद एक विंडो खुलेगी BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन की, जो कि मैं जी पे ओपन कर रहा हूँ। चूज़ हाउ यू वॉन्ट टू अनलॉक दिस ड्राइव, आप किस तरह इस ड्राइव को अनलॉक करना चाहते हैं। यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव और यूज़ माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। मैं पासवर्ड यूज़ करके इसको अनलॉक करना चाहता हूँ, तो मैं उसको चेक करके देन नीचे पासवर्ड इंटर कर दूंगा, इंटर योर पासवर्ड, और ये इंटर योर पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड मैंने नीचे इंटर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की, आप किस तरह अपनी रिकवरी की वापस चाहते हैं। इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड और लूज योर स्मार्ट का, यू कैन यूज योर रिकवरी टू एक्सेस योर ड्राइव। फॉर एग्जांपल अगर आप भूल गए हैं तो आप कैसे रिकवरी की के थ्रू आप अपने ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। रिकवरी सेव करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, या आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो वहाँ पे आप रिकवरी की सेव कर दें, या आप USB फ्लैश ड्राइव, USB सिंपली उसमें सेव करना चाहते हैं तो उसमें सेव कर लें, और सेव टू अ फाइल मींस इस ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में किस फाइल में सेव कर दें। प्रिंट द रिकवरी की, मैं चाहता हूँ कि जो रिकवरी की है वो मेरे फ्लैश USB फ्लैश ड्राइव में सेव हो, तो मैं USB लगा के इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो जो मेरे सिस्टम के साथ USB या फ्लैश ड्राइव अटैच होंगी वो यहाँ पे शो करेगा, और जिसमें वो मुझे वो रिकवरी की रखनी है उसको सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा सेव पे, तो ये रिकवरी की USB फ्लैश ड्राइव में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करें नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चूज हाउ मच ऑफ योर ड्राइव टू इनक्रिप्ट। अब इसका मतलब ये कि इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली। इसका मतलब ये है कि आपका जो ड्राइव में डेटा है सिर्फ उसी को इनक्रिप्ट करें, फुल ड्राइव को नहीं। इनक्रिप्ट इंट्रा ड्राइव, इसका मतलब आपकी जो पूरी ड्राइव है उसको इनक्रिप्ट करें, जो फ्री स्पेस है उसको भी, लेकिन मुझे जो उस ड्राइव में डेटा है सिर्फ उसको इनक्रिप्ट करना है। तो मैं फर्स्ट रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा। अगर आप इस ड्राइव में बाद में भी कोई डेटा रख रहे हैं इनक्रिप्शन के बाद, तो फिर भी ये इनक्रिप्ट उसको ऑटोमेटिकली कर लेगा। मैंने इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली ऑप्शन पे क्लिक सेलेक्ट करके आप क्लिक करें नेक्स्ट पे। उसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू रेडी टू इनक्रिप्ट दिस ड्राइव। अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये इसका इनक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस ड्राइव में बहुत डेटा पड़ा है तो इसको टाइम भी बहुत लगेगा इसको इनक्रिप्ट करने में। इसलिए मैंने बिट लॉकर अपनी एक और ड्राइव पे भी एक्टिव कर दिया था कि मैं आपको समझा सकूं कि ये इनक्रिप्टिंग या बिट लॉकर ऑन होने के बाद कैसे अपीयर, कैसे पासवर्ड देके इसको ओपन किया जाता है। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएं, यहाँ पे देखें जो मैंने ड्राइव दी थी उस पे इनक्रिप्शन प्रोसेस भी प्रोग्रेस में है, इसलिए ये अब तक लॉक नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने पहले ही एक लोकल फोल्डर एफ उसको इनक्रिप्ट कर दिया था इसी प्रोसेस के थ्रू। मैं अब इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बिट लॉकर एफ इंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव, जो मैंने इस पर पासवर्ड रखा था वो मैं इंटर करके अनलॉक पे क्लिक करूँगा, तो मेरी ये ड्राइव ओपन हो जाएगी। ये सारा सेम प्रोसेस भी इस ड्राइव पे अप्लाई होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने ड्राइव को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग बिट लॉकर ऑप्शन इन विंडोज़ 8.1। हमारा चैनल है IT बकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।